नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सोनिया रावत, जो कि दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं। आज हम उनसे डिप्रेशन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डॉक्टर, वेलकम टू माय उपचार। डिप्रेशन एक मानसिक समस्या है और भारतीय समाज में मानसिक समस्या को पागलपन ही माना जाता है। यहाँ पर कोई ठीक से बात नहीं करना चाहता। अगर किसी को डिप्रेशन है या कोई भी मानसिक समस्या है तो कोई उसके बारे में ठीक से बात नहीं करता। तो शर्म के मारे डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहते। तो हम मैम से ये जानना चाहते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एज अ सोसाइटी हम क्या कर सकते हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये एक तरह से एक सोशल स्टिग्मा है कि हम अगर ये फीलिंग्स हैं हमारे डिप्रेशन के तो हम किसी से बात नहीं करना चाहते, हमें डर लगता है कि वो हमें पागल बोलेंगे। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन इन सब चीजों से हमें डरना नहीं है। जैसे हमारी दूसरी बीमारियां हैं, जैसे हमारी दूसरी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज है, क्योंकि ब्रेन भी जो है वो हमारे शरीर का एक हिस्सा है, तो ब्रेन रिलेटेड कंडीशन है ये। ब्रेन में कुछ केमिकल काम हो जाते हैं, केमिकल का इम्बैलेंस हो जाता है जिसके कारण हमें ये प्रॉब्लम होती है। तो हमें बिल्कुल भी झिझकना नहीं चाहिए, हमें जाके अपने लोगों से, सबसे इम्पोर्टेंट तो अपने लोगों से इस चीज को शेयर करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सपोर्ट तो हमें अपने फैमिली मेंबर्स से मिल जाता है। और डिप्रेशन की बहुत इम्पोर्टेंट जो थेरेपी है, जो इम्पोर्टेंट इसका जो ठीक करने का तरीका है वो बात करने का है। तो अगर आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आपके कोई पार्टनर है, आपके कंपेनियन है, तो मेरी सलाह यही है कि आप सबसे पहले उनके साथ जाके बात करें। आप बताएं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्यों आपको ये प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ट्रिगर होता है, कहीं ना कहीं किसी भी चीज का, किसी भी बीमारी का, जैसे डिप्रेशन हुआ या एंग्जाइटी हुई, उसका ट्रिगर होता है। तो कहाँ से शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ, उसकी रूट कॉज को पकड़ना बहुत जरूरी है। एक बार आप रूट कॉज को पकड़ेंगे और अपने विशेषज्ञ से बात करेंगे, उनसे, उनकी मदद से आप बहुत सारी चीजें पा सकते हैं। और एज अ सोसाइटी हमारा ये फर्ज रहता है कि हम ये जो मरीज हैं इनको हम इज्जत के साथ देखें, ट्रीट देम विद रिस्पेक्ट। और जैसे हम किसी दूसरे मरीज को देखते हैं वैसे ही इनको भी देखें, प्यार दें इनको, अंडरस्टैंडिंग दें इनको, और इनको बहुत बहुत ही जैसे हम किसी इम्पोर्टेंट चीज को, जैसे कांच को या हीरे को सजो के रखते हैं, वैसे ही ये हमारे फैमिली के जो मेंबर हैं इनको प्यार के साथ आप डील करेंगे तो धीरे धीरे इनकी प्रॉब्लम्स उजागर होंगी। और जब प्रॉब्लम्स उजागर होंगी तो आप खुद पर खुद देखेंगे कि इनके सोल्यूशंस निकलते जाएंगे। चलिए अब हम डॉक्टर से डिप्रेशन के ट्रीटमेंट यानी उसके इलाज के बारे में जानते हैं। डिप्रेशन का इलाज जो है वो हम उसको तीन चीज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से क्या चीज कर सकते हैं, अपनी तरफ से जो चीजें हम कर सकते हैं वो है, एक तो रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो कुछ अच्छे केमिकल्स आपके ब्रेन में से रिलीज होंगे जो आपको हेल्प करेंगे डिप्रेशन से लड़ने के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वेल बैलेंस्ड डाइट। डाइट बहुत अच्छी चीज है। डाइट में हम क्या ले रहे हैं, आप रेगुलरली क्या खा रहे हैं, रेगुलर अगर हम वेल बैलेंस डाइट जिसमें बहुत सारे फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स लेंगे तो उससे भी हमारे डिप्रेशन में लड़ने से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। और इसके अलावा हमें ये देखना है कि हम रेगुलरली पौष्टिक आहार के साथ साथ वैरायटी ऑफ पौष्टिक आहार भी लें। रोज ही रोज एक ही एक चीज खाना ठीक नहीं है, उसको वैरायटी करें, वैरायटी ऑफ पौष्टिक आहार लें और रेगुलरली देखें कि हम स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहें। स्मोकिंग और अल्कोहल से भी दूर रहने से हम देखेंगे कि हम इन सब चीजों से हमारी जो बॉडी है उसकी जो इम्यूनिटी है वो भी बढ़ जाएगी और हम जो है वो जल्दी से जल्दी डिप्रेशन के जो इस रोग है उससे बाहर निकल सकते हैं। उसके अलावा हम ये देख सकते हैं कि हम स्लीप हाइजीन फॉलो करें। स्लीप हाइजीन क्या चीज है कि हम एक अपना सेट पैटर्न बनाएं कि हमें इस टाइम पे सोना है, इस टाइम पे उठना है, हमें खाना जो है इमीडिएटली पहले नहीं खाना है, सोने के पहले नहीं खाना है, एटलीस्ट 2 to 3 hours, 2 से 3 घंटे का गैप दें हम सोने से पहले। हम थोड़ा सा अगर हमें नींद आने में प्रॉब्लम हो रही है तो हम थोड़ा सा टहल लें,
लाइट एक्सरसाइज करें, हैवी एक्सरसाइज नहीं करें, और हम सोने से पहले ये भी कर सकते हैं कि थोड़े से वार्म वाटर या गुनगुने पानी का शावर लें, उससे भी हमें नींद आ सकती है। टी मतलब चाय, कॉफी, अल्कोहल, ये सब चीजों से बचें। रात में थोड़ा सा गर्म दूध अगर आप पी लें तो उससे भी आपको नींद आ सकती है। और स्पेशली आपके कमरे में जो आपका सोने वाला कमरा है उसको सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें, टीवी वगैरह देखें नहीं उस कमरे में। टीवी वगैरह देखने के लिए अगर आपको टीवी देखना ही है और आपको नींद नहीं आ रही है तो इमिडिएटली आप उठ के बाहर आ जाएं, अपने आप से लड़े नहीं, क्योंकि अगर आप अपने आप से लड़ेंगे तो आपके दिमाग में और ज्यादा परेशानी हो रही है कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे नींद नहीं आ रही। तो आप ये मत करें, धीरे से बाहर चले जाएं, धीरे से आप कोई अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करें। जैसे आप अंदर डीप ब्रेथ लें तो अंदर डीप ब्रेथ लेने अंदर सांस लेते समय आपका पेट बाहर आए, तो जिसको हम कहते हैं डीप अब्डोमिनल ब्रीदिंग, तो पेट तक सांस आपके पूरा ऑक्सीजन जो है वो पेट तक जाए, और जब आप बाहर सांस लेंगे तो पेट अंदर जाएगा। तो इस तरह के आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और जब जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तो उस समय देखें कि कोई विचार आपके मन में ना आए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें अपने ब्रीदिंग के ऊपर। और जब आप अंदर सांस लें तो बोले बी काम, बाहर सांस लें तो बी काम, मतलब अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे। उस पर आप देखेंगे कि उससे आपको बहुत मदद मिलेगी, और इस तरह से आपके हैप्पी हॉर्मोन्स आपके बॉडी में से निकलेंगे। और इसके अलावा अगर आप कर सकते हैं तो मेडिटेशन भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मेडिटेशन का कोई भी एक आप सीडी चला सकते हैं, कोई वीडियो चला सकते हैं, और मेडिटेशन, शवासन, ये सब करने से आपको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। और ये सब चीजें हैं जो आप खुद कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो आजकल की यंग जनरेशन है वो हाई अचीवर्स बनना चाहते हैं, लेकिन उनके पास टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है, टाइम नहीं दे पा रहे, वो फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर वो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज अपनी ठीक से कर लें तो उनको दुख या डिप्रेशन, आगे जाके जो डिप्रेशन बन जाता है, परसिस्टेंट सैडनेस बन जाती है, वो नहीं होगा, और वो धीरे धीरे अचीव करते जाएंगे अपने गोल्स। तो वो भी करना बहुत जरूरी है, ये आप खुद से कर सकते हैं। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो हम कहते हैं, जो मेडिकल है, मेडिकल टर्म्स में जो साइकोलॉजिस्ट आपको बताते हैं, वो है CBT, मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसमें ये देखना है कि आपके थॉट्स जो है वो कैसे आपके आपके जीवन में, कैसे आपके डे टू डे लाइफ में आपको इफेक्ट कर रहे हैं, और आप कैसे उनको चेंज कर सकते हैं। सो सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने से टॉक करें, सेल्फ टॉक करें, जो पॉजिटिव हो, आप कर सकते हैं ये चीज, और आप करके ही दिखाएंगे धीरे धीरे। और दूसरी चीज, आप दूसरों से बात करें, जैसे जो आपके फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, उनसे, उनको कॉन्फिडेंस मिले, उनके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, क्योंकि आधे आधे आधी प्रॉब्लम्स तो शेयर करने से ही दूर हो सकती हैं। सो ये आप टॉक कर सकते हैं। और दूसरी चीज जो है मेडिकल टर्म्स में, वो है दवाई। तो दवाई तो आप विशेषज्ञ से मिलके, विशेषज्ञ के सुपरविजन में ही लें, और विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि क्या क्या दवाइयाँ आपको लेना है, क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेना है, कब कब दवाई लेना है, और कौन कौन से टेस्ट जब आप दवाई ले रहे हैं तो आपको करवाते रहना है, कि आपके डॉक्टर्स आपको सलाह देंगे। तो अपने डॉक्टर्स की सलाह पे जरूर जाएं और डॉक्टर से रेगुलरली मिले जरूर। मैम, क्या इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट या दुष्प्रभाव हो सकता है? दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं, और दवाइयों के इंटरैक्शंस भी हैं, कि एक दवाई दूसरी दवाई के साथ इंटरैक्ट कर रही है, इसीलिए ये जरूरी हो जाता है कि आप अपने डॉक्टर से रेगुलरली मिलें और डॉक्टर के साथ डिस्कस करें, वो आपको पूरी तरह से बताएंगे। डॉक्टर, अगर किसी को डिप्रेशन है तो उसे कौन से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन से स्पेशल डॉक्टर के पास उसे जाना चाहिए? अगर आपको डिप्रेशन है तो जैसे मैंने आपको पहले सलाह दी कि अपने सेल्फ हेल्प मेजर्स ही करें, जो हमने पहले बताया था कि खुद से भी जो आप कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम रहती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से बात करें, उससे भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही तो काउंसलर्स हैं, काउंसलिंग जो करते हैं, जो आपसे बात करते हैं, जो CBT करते हैं, और वो भी आपको सलाह देंगे। उसके अलावा अगर आपको दवाइयाँ
चलिए या दवाई तक की स्टेज आ रही है आपको, तो साइकेट्रिस्ट जो मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स होते हैं, जो मेंटल हेल्थ आपका देखते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास आपको जाना चाहिए। क्या एक बार डिप्रेशन ठीक होने के बाद दोबारा हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, रिलैप्स हो सकते हैं, और इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो आपके नियर एंड डियर हैं वो आपके ऊपर आपको देखते रहें रेगुलरली, और आप भी उनसे बात करते रहें, और इसके ऊपर आप बिल्कुल ध्यान रखिए, और अगर फिर से आपको होता है तो फिर से आपको वही प्रोसीजर दोबारा करने की जरूरत है। क्या डिप्रेशन से बचा जा सकता है या इसका प्रिवेंशन संभव है? बिल्कुल डिप्रेशन से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो आप अपने से ही जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है वो आपकी जो नेगेटिव सेल्फ टॉक है उसको आप पॉजिटिव में बदलिए। अपने नेगेटिव जितने भी विचार हैं उनको पॉजिटिव विचार में बदलिए कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ। इस तरह की पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर आनी चाहिए, और अगर आप देख रहे हैं कि कुछ उसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने लोगों से जो नियर एंड डियर है, फ्रेंड्स एंड फैमिली है, उनसे मिलिए, उनसे बात करिए। ये सोशल स्टिग्मा तो है ही, लेकिन ये आपको नहीं समझना है कि ये सोशल स्टिग्मा है कि कोई क्या समझेगा, कोई क्या बोलेगा। आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से या अपने पार्टनर से या जो कोई नियर एंड डियर है उनसे बात करना बहुत जरूरी है, अपने इमोशंस को लेट आउट करना बहुत जरूरी है, और आप देखेंगे कि अगर आप बात करेंगे तो कई हद तक आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने की पूरी पूरी संभावनाएं खुल जाती हैं। और उसके बावजूद भी आपको है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह भी ले सकते हैं। तो आज हमने जाना कि डिप्रेशन क्या होता है, इससे कैसे बचा जा सकता है, और कैसे पता लगा सकते हैं कि आपके आसपास किसी को डिप्रेशन है या नहीं। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अपनी सोच को सकारात्मक रखें, अपनी दिनचर्या को मेंटेन करके रखें, समय पर काम करें, समय पर उठें, समय पर सोएं। माय उपचार के साथ आगे भी जुड़े रहें और हमारी वीडियोस को जरूर देखें, इन्हें लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।